खेसारी लाल यादव का गाना लड़की पटाना है जो उनका हिंदी सॉन्ग सोनी म्यूजिक से रिलीज हुआ था वो फ्लॉप हो गया है। अगर इस वक्त यूट्यूब के ट्रेंडिंग को देखें तो वो गाना फ्लॉप नहीं है, क्योंकि वो गाना 1.9 मिलियन व्यूज़ के साथ वन डे में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन ये कुछ घंटों तक ही रहा। लेकिन अब थर्ड नंबर के पोजीशन पर आ गया है 2.5 मिलियन के साथ। खैर हम आपको आगे जो बताने वाले हैं वो ये है खैर हम जो आपको आगे बताने वाले हैं वो ये बात है कि खेसारी लाल यादव के फैंस का कहना है कि खेसारी लाल यादव के इस गाने को फ्लॉप करवाया गया, लेकिन ये गाना फ्लॉप नहीं है, फ्लॉप बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, पवन सिंह के हिंदी सॉन्ग से ये सॉन्ग काफ़ी पीछे है। पवन सिंह का सॉन्ग तकरीबन 3 दिन तक नंबर 1 ट्रेंड करता रहा और खेसारी लाल यादव का सॉन्ग ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पर अब खेसारी के फैंस भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसमें भड़ास निकालने वाली कोई भी बात नहीं है। आपका गाना आपके व्यूअरशिप ही डिपेंड करते हैं कि आप कितने बड़े स्टार हैं। पवन सिंह का जो गाना रिलीज़ हुआ था जस्ट म्यूज़िक से, उसके सब्सक्राइबर बहुत कम थे। जस्ट म्यूज़िक के सब्सक्राइबर तब बहुत कम थे, अब ज़्यादा हैं, तब बहुत कम थे। लेकिन सोनी म्यूज़िक एक बहुत ही जाना माना नाम है और उसके सब्सक्राइबर की बात करें तो 60 मिलियन आपने देखा ही होगा, काफ़ी बहुत बड़े सब्सक्राइबर वाला चैनल है और सोनी बहुत ही बड़ा ब्रांड है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि पवन सिंह का प्लेटफॉर्म छोटा था खेसारी के मुकाबले, लेकिन खेसारी का गाना, जी हाँ, लेकिन खेसारी का गाना पवन के मुकाबले में बहुत कम व्यूज़ में आका गया और जल्द ही ये गाना थर्ड नंबर की पोजीशन पे आ गया। फर्स्ट से सरक के थर्ड पोजीशन पे आ गया। 2.5 मिलियन कहाँ सोचा गया था कि खेसारी के जितने भी फैंस हैं सब जुटेंगे और इसे एक दिन में एटलीस्ट कुछ नहीं तो 4 से 5 मिलियन तो लेकर ही जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये गाना सरक के फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड पोजीशन और हो सकता है अब डाउन ही जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे ये कह रहे हैं कि ये गाना फ्लॉप हो गया है। फ्लॉप गाना नहीं हुआ है, या हमने शुरुआत में ही कहा वीडियो के कि गाना फ्लॉप नहीं है, इसे फ्लॉप कहना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पवन के मुकाबले ये गाना काफ़ी कम चला, जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री को एकजुटता दिखाकर इस गाने को आगे बढ़ाना चाहिए था, फैंस को एकजुटता दिखाकर आगे बढ़ाना चाहिए था। भोजपुरी में वो कहते हैं हम घर में कितनी भी मार करें, लेकिन जब बात आती है अपने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने की तो उसमें सभी एक हो जाने चाहिए। खैर जो भी हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम खेसारी के अभी 2 और गाने आने हैं तो फैंस के लिए एक सुनहरा मौका है, 2 सुनहरे मौके हैं। आप खेसारी के उन गानों को ट्रेंडिंग में ला सकते हैं जिस तरह ये गाना आया, और उसे कई दिनों तक ट्रेंडिंग में ला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खेसारी के फैंस के पास चांस नहीं है, खेसारी के फैंस के पास 2 चांस है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।